संगम युग में आकर्षक चोला मिलना किनके लिए वरदान और किनके लिए अभिशाप? काली चोला भी अच्छा है क्योंकि दूसरों को दूसरी नहीं पड़ती है, ऐसा पता है ना बाबा? काला चोला भी अच्छा है कि संगम युग में, संगम युग में जो शरीर है आकर्षक नहीं होना चाहिए। अगर आकर्षण करने वाला शरीर होगा तो बहुतों का बुद्धि योग जाएगा, और जब बहुतों का बुद्धि योग अपनी ओर खींचेगा तो आत्मा खींच जाएगी, भगवान की ओर नहीं खींचेगी। सुंदर चेहरा बहुतों को आकर्षित करता है, और भौंडा चेहरा भौंडा शरीर कोई को आकर्षित नहीं करेगा। तो जब कोई उसको आकर्षित ही नहीं करेगा तो उस भौंडे शरीर भौंडे चेहरे वाले का बुद्धियोग कहां जाएगा? बाप की तरफ जाएगा, तो अच्छा ही है ना। और इतना ही पता, वो सुंदर चोला जो किसको मिलता है बाप के कहे के अनुसार हर जन्म में सुंदर चोला मिले वो अच्छी बात, लेकिन संगम युग में सुंदर चोला मिले वो अच्छी बात नहीं है। मतलब कोई पाप करने के फल है तो पूर्व जन्मों में चोले से कुछ सुंदर कार्य किए होंगे तो सुंदर चेहरा मिला, मिला तो, लेकिन साथ साथ कुछ न कुछ ऐसा अकार्य भी हुआ है, हाँ, जो नहीं करना चाहिए, जिसके कारण वो चोला जब भगवान बाप आते हैं तब मिला। हाँ जी, और उसकी सुरक्षा बहुत करनी पड़े। जिन आत्माओं ने इस सृष्टि पर सदा कायम रहने वाले शिव बाबा के प्रति जन्म जन्मांतर ज्यादा त्याग किया होगा, ज्यादा सुरक्षा रखी होगी, तो जिसके प्रति ज्यादा सुरक्षा रखी है ज्यादा त्याग किया है पूर्व जन्मों में, वो आत्मा माने शिव बाबा रिटर्न में कुछ देगा या नहीं देगा? इस सृष्टि में वर्तमान जो सृष्टि है जिसमें ब्राह्मणों की दुनिया भी है, उन ब्राह्मणों की दुनिया में स्त्रियां भी हैं, पुरुष भी हैं, वृद्ध भी हैं, बूढ़िया भी हैं, कुमार भी हैं, अधर कुमार भी हैं, कन्याएं भी है। ज्यादा आकर्षण कुमारियां करती हैं, ज्यादा आकर्षण बूढ़े लोग करते हैं, ज्यादा आकर्षण बूढ़ियां करती हैं, माताएं करती हैं, अदर कुमारियां करती हैं, कौन करती है? कुमारियां ज्यादा आकर्षण करती है, यहां तक ये आकर्षण करती है कि बाबा ने कहा इस अंतिम जन्म में आकर के बाप अपनी बच्ची को नहीं छोड़ता, भाई अपनी बहन को नहीं छोड़ता, चाचा अपनी भतीजी को नहीं छोड़ता, मामा अपनी भांजी को नहीं छोड़ता, इतना आकर्षण होता है कुमारियों में।
लेकिन भगवान जब आते हैं तो उन सुंदर चेहरे वालों का ज्यादा सुरक्षा करते हैं या कुमारों की ज्यादा सुरक्षा करते हैं या बूढ़ों की ज्यादा सुरक्षा करते हैं या आदर कुमारियों की ज्यादा सुरक्षा करते हैं? क्यों? नहीं, इसलिए सुरक्षा करते हैं कि जरूर उन्होंने पूर्व जन्मों में जो शिव बाबा का हीरो पार्टधारी पार्ट है उसके साथ ज्यादा निभाया है, इसलिए जिसके साथ निभाया है अंतिम जन्म में आकर के वो उसके साथ निभाता है। तो बताओ जो सुंदरता है शरीर की वो वरदान बन गई या अभिशाप बन गई? सुंदरता अभिशाप बन गई, अभिशाप उनके लिए बनती है जिन्होंने पूर्व जन्मों में सहयोग तो दिया, सुख तो दिया, लेकिन बेवफाई भी की है, इसलिए वो इस जन्म में भी आकर के बेवफाई कर देती, इसलिए अच्छा नहीं। दुनिया आकर्षित करती है तो बेवफाई करने के लिए मजबूर हो जाती है।